हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय इंटीरियर में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से वाश बेसिन को लगाया जाता है, वाश बेसिन को किस प्रकार से बाथरूम में सेटअप किया जाता है। पूरा इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। सबसे पहले इसको जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको जो है सबसे पहले स्क्रू इसका टाइट लगाते हैं ताकि इसको मजबूती रहे लगाने में और कोई भी दिक्कत ना आए। इसके लिए इसको मजबूती से इसमें स्क्रू हॉल मार के स्क्रू लगा लेते हैं और फिर इसके बाद में इसको वाश बेसिन को उसमें सेटअप कर देते हैं और बाद में इसको इसमें लगा देते हैं स्क्रू और इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं और उसके ऊपर ये वाश बेसिन का जो नल रहता है उसको भी सही से टाइट करके अच्छे से लगा देते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरा हर आने वाला अपडेट आप सभी तक आसानी से पहुँचता रहे। दोस्तों, देख सकते हैं इस प्रकार से इसको वाश बेसिन को क्रिएट किया जाता है और इसके नीचे से जो पानी इसका निकलता हुआ है वो किधर जाएगा, वो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, जो पॉइंट उसमें चला जाता है, देख सकते हैं इसको। और यहाँ पर टाइट कर दिया गया है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऊपर से नल चालू किया और हैंड वाश करके इसमें पानी चला जाएगा, देख सकते हैं आप, क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको भी प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिक या इंटीरियर का कोई सा भी काम आपको कराना है तो जो आपको स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। ऑफिस एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, वाश बेसिन का जो जाली आता है वो भी लगा दिया गया है और इसके थ्रू जो पानी जाता है नीचे वो भी अभी लगाया जाएगा, जो पाइप आता है इसका। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के एंड तक और पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा किस प्रकार से वाश बेसिन को पूरा क्रिएट करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरा हर आने वाला वीडियो आप सभी तक आसानी से पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।